नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च की है। यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किराएदारों, पीजी में रहने वाले लोगों, अपने ड्राइवर और नौकरों की भी डिटेल डाल सकेंगे। उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस के पास एक बड़ा डेटा आ जाएगा। इससे कोई बड़ा क्राइम होने पर पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंच सकेगी। इस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर किराएदारों की पूरी जानकारी रहेगी। जैसलमेर में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के कमांडो के सिर में गोली लग गई। गोली सिर के आर पार हो गई। जैसलमेर से जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर करीब 3 घंटे में घायल कमांडो को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर्स ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। अस्पताल पहुंचते ही जवान का सीटी स्कैन किया गया। इसके बाद आईसीयू रेड जोन में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल जवान को वेंटिलेटर पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए ईआरटी के 10 जवानों की टीम एक गाड़ी में जोधपुर से जैसलमेर आ रही थी। जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर पहले जवान निदेश कुमार पुत्र मालाराम के सिर से गोली आर पार हो गई। राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन महंगा होने जा रहा है। राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का आदि टाइगर रिजर्व सहित सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं। नई दरें 15 जून से लागू हो जाएंगी, जो अगले 2 वर्ष तक जारी रहेंगी। राजस्थान वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने प्रदेश के बाघ परियोजनाओं और संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश की दरें बढ़ा दी हैं। यह दरें न केवल पर्यटकों के प्रवेश पर बढ़ाई गई हैं, बल्कि वाहनों के आवागमन को लेकर भी दरें बढ़ाई गई हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने भजनलाल सरकार पर मोदी की गारंटी को झूठा साबित करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी और जेडीयू से कम मंत्री बनाने पर तंज कसा है। गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी का अगला निशाना अब टीडीपी और जेडीयू होंगी। गहलोत ने राजस्थान में फ्री बिजली योजना को लेकर भी भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर जनता को 10 राहत भरी योजनाएं दी थी। इसमें 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री भी शामिल थी। इससे करीब 1.4 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल शून्य हो गया था और महंगाई से बड़ी राहत मिली थी। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की गारंटी मोदी जी विधानसभा चुनाव में देकर गए, लेकिन राजस्थान सरकार इस गारंटी को झूठी साबित कर रही है। आरसीए की एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष जयदीप बिहानी ने पूर्व कार्यकारिणी पर चौंप गांव में बनने वाले स्टेडियम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, नए स्टेडियम के निर्माण और आरसीए के भुगतान से संबंधित कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। इसमें पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। बिहानी ने इसकी शिकायत खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से करने की बात कही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का खेल परिषद से MOU खत्म होने के बाद फरवरी महीने में RCA पर ताले लगा दिए गए थे। RCA की एडहॉक कमेटी ने खेल परिषद के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस को मंगलवार शाम फिर से खुलवाया। जब दस्तावेजों और अकाउंट्स रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो बड़ी संख्या में एसोसिएशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नवाचार किया है। इसमें प्रत्येक सरकारी स्कूल में उपस्थिति में टॉपर 5 विद्यार्थियों को 20-20 रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह प्रक्रिया साल में 3 बार दोहराई जाएगी। हर महीने में उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों का पुरस्कार देने के लिए चयन होगा। पुरस्कार वितरण स्कूल में सामुदायिक जागृति दिवस कार्यक्रम में किया जाएगा। यह कार्यक्रम साल में 3 बार प्रदेश के 69,401 सरकारी विद्यालयों में आयोजित होंगे। इसके लिए तारीख घोषित करने की जगह हिंदू पंचांग की अमावस्या तिथि को तय किया गया है।
चूरू से कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां ने बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। कस्वां लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ा और जीत गए। कस्वां ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम मायने में वे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में बीजेपी ने कभी ऐसी हार नहीं देखी। कस्वां ने दुष्यंत सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर भी सवाल उठाए। कस्वां ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे हिसाब से उन्होंने राजस्थान भी नहीं घूमा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब एडमिशन की तारीख को 4 दिन तक आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं, वह अब 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र के नवगठित सरकार के पदभार संभालने के साथ ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स ने एक पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2022 को पारित करने में तेजी लाएं। यह प्रारूप विधेयक वर्तमान पशु कानून में ऐसे संशोधन पेश करता है जिनमें पशुओं के प्रति क्रूरता और नए संज्ञेय अपराधों के लिए कठोर दंड शामिल किए गए हैं और यह हर जानवर के लिए 5 मूलभूत स्वतंत्रताएं स्थापित करता है। भूख और प्यास से मुक्ति, असुविधा से मुक्ति, दर्द चोट और बीमारी से मुक्ति और सामान्य एवं प्राकृतिक व्यवहार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। जयपुर शहर के इवेंट गुरु अरशद हुसैन हैदराबाद में 14 जून से आयोजित होने वाले देश के मशहूर साउथ इंडिया वेडिंग प्लानर्स कांग्रेस में शिकायत करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान की शाही शादियों के बारे में देश विदेश से आए 1000 प्रतिनिधियों के सामने रॉयल वेडिंग्स का रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवर्ष होने वाले इस प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव में उनके साथ राजस्थान से लगभग 15 और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जो कि पूरे विश्व के इवेंट मैनेजर को राजस्थान में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वडोदरा में संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वडोदरा में हुई इस बैठक में राजस्थान सहित सदस्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव व दादरा नगर हवेली में कला और कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए अधिकाधिक कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए। राज्यपाल के निर्देश पर अब 156 के स्थान पर 200 से अधिक कार्यक्रम केंद्र करवाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संग्रहाध्यक्ष खोज व उत्खनन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 19 जून 2024 को होगी। सुबह 10 से 12:30 बजे तक, दोपहर 3 से 5:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। PHED की ओर से जोधपुर के झालामंड क्षेत्र के सांगरिया फाटा में बिछाई जा रही नई पाइपलाइन चोरी होने का मामला सामने आया है। काम के दौरान जमीन से निकाले गए पुराने लोहे के पाइप और अन्य सामान चोरी हो गया। विभाग के AN ने मौके पर काम कर रही ठेकेदार कंपनी के मालिक और कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाकर बासनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वर्ष 2005 में बाघ विहीन हुए सरिस्का में बाघों की संख्या 40 पहुंच गई है। यह पर्यटकों के लिए खुशखबर है क्योंकि उन्हें बाघ का दीदार आसानी से हो सकेगा, लेकिन बढ़ते बाघों की संख्या से आने वाले दिनों में टेरिटरी को लेकर शुरू होने वाली जंग को लेकर वन विभाग चिंतित है। करीब 1.5 साल बाद 5 शावकों की उम्र 1.5 से 2 साल हो जाएगी। इसके बाद इन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा, तब ये सभी अपनी टेरिटरी बनाएंगे और जो मजबूत होगा वो बचेगा, जो कमजोर पड़ेगा उसे जाना पड़ेगा। अभी सरिस्का में 15 शावक हैं, ये मेल हैं या फीमेल इसका पता 1.5 साल के बाद चलता है। जिला प्रभारी सचिव पी रमेश एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। प्रभारी सचिव ने इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां, ई फाइल प्रक्रिया सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने जिले में
विद्युत कटौती, विद्युत भार व आपूर्ति के समय से संबंधित शिकायतों की समीक्षा कर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT News। धन्यवाद।